ओम शांति। आज की तारीख है 8/9/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक क्या कहता है? तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा पुराना दुश्मन रावण है। तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है। तुम जितना एक के साथ योग लगाएंगे उतना दुश्मन पर जीत पाने का बल मिलेगा। प्रश्न है, तुम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट दुनिया के मनुष्यों से बिल्कुल भिन्न है, कैसे और कौन सी? उत्तर है, तुम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट है श्री मत पर पावन बनना और बनाना। तुम योग बल से अपने पापों को भस्म करते हो। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं बाप पूरी करते हैं। मनुष्य तो जो कुछ भी करते उससे नीचे ही उतरते आते, रिद्धि सिद्धि आदि सीख लेते हैं, परंतु पतित तो बनते ही जाते हैं। गीत बजाया है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक, शरीर रूपी पुरानी खाल से ममत्व निकाल देना है, बुद्धि से रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। नंबर दो, पुरानी दुनिया की किसी भी बात से तैलुक न रख, ज्ञान चिता पर बैठ पावन बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। वरदान मीठे मीठे बाप दादा का, पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, साधारण आत्माएं जब पवित्रता को धारण करती हैं तो महान आत्मा कहलाती हैं, क्योंकि पवित्रता ही श्रेष्ठता है, पवित्रता ही पूज्य है। ब्राह्मणों की पवित्रता का ही गायन है। कोई भी शुभ कार्य होगा तो ब्राह्मणों से ही कराएंगे। वैसे तो नामधारी ब्राह्मण बहुत हैं, लेकिन आप जैसे नाम वैसा काम करने वाली आप विशेष आत्मा हो। साधारण कर्म भी बाप की याद में रहकर करते हो तो विशेष हो जाता है। इसलिए ऐसे विशेष कर्म करने वाली पुरुषोत्तम व विशेष आत्माएं हो। स्लोगन है, स्वयं द्वारा सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।